मध्य प्रदेश में आगामी 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर 9 अक्टूबर से प्रदेश के साथ साथ संपूर्ण जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिसको देखते हुए जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जहां संपत्ति निरूपण अधिनियम की कार्यवाही की जा रही है, वहीं पुलिस प्रशासन नगर में फ्लैग मार्च किया जा रहा है, वहीं वाहनों अवैध गतिविधियों पर कार्यवाही की जा रही है। इसी को लेकर पवई पुलिस ने SDOP सौरभ रत्नाकर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सुधीर बैगी, वन परिक्षेत्र अधिकारी नितेश पटेल सहित पुलिस टीम ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए फ्लैग मार्च किया और लोगों को आचार संहिता का पालन करने की समझाइश दी। विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए आदर्श आचार संहिता कल से लागू हुई है। माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा धारा 144 जिले में लागू की गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय पन्ना द्वारा थाना चौकी की पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि पूरी पवई अनुभाग या पूरे जिले में ऐसा माहौल बनाया जाए कि प्रत्येक मतदाता स्वतंत्र मस्तिष्क से भयमुक्त, बिना किसी दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। उसके ताकत में थाना पवई पुलिस और साथ पन्ना जिले के सभी थानों एवं चौकियों पुलिस फ्लैग मार्च के लिए रोडों पर निकली है, जिससे लोगों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न किया।